अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जायका मसाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये दाल की रेसिपी, तुअर दाल की रेसिपी, जो बहुत ही लाजवाब बनती है और इसका टेस्ट तो आप पूछे ही मत। और ये मैं आपको एक सीक्रेट मसाले के साथ बताऊंगी जो मेरा जायका मसाला स्पेशल है। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि ये दाल हम कैसे बनाते हैं। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना तो ना ही भूलिए। चलिए, यहाँ हमारे पास है तुअर की दाल। तो हम यहाँ पे 1.5 कप तुअर की दाल है ये, इसको अच्छी तरह से धो के लेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से धो के ले लिए हैं। अब हम डालेंगे इस कुकर के अंदर दाल को। और 1 कप पानी पहले था और अब मैं डालूंगी दूसरा कप। तो हम 1.5 कप में धोकर 2 कप पानी डाल के इसको 2 सीटी लगा देंगे। जब तक हमारी दाल 2 सीटी में होती है तब तक हम इसका बगार रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पे दाल का बगार रेडी कर चुकी हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने लिया है यहाँ पे 10 से 12 कली लहसुन की और मैंने इसको इस तरह चॉप किया है। मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई और यहाँ पे है कड़ी पत्ते जो मैंने ऐसा क्रश करके ली हूँ इसको, ये भी 10-12 है। और यहाँ पे हमारे पास 6 से 7 हरी मिर्ची है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैगी क्यूब्स का। इससे दाल का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस बनता है और ये आप देख सकते हो ये वेज क्यूब्स हैं। ये दाल में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देती है ये क्यूब्स। और ये मेरे ख़ास जायका मसाला का सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपने आज से पहले कभी नहीं सुनेंगे कि इसमें मैगी क्यूब्स दाल में डाली जाती है। आप प्लीज़ गाइस डाल के देखना आपकी दाल कितनी टेस्टी और लजीज बनेगी। और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 टीस्पून ही हमारे पास है लाल मिर्ची कश्मीरी, 1 टीस्पून हम हल्दी यूज़ कर रहे हैं और 1 टीस्पून हम नमक यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास जितना भी मेजरमेंट है, जो भी नए बनाने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम भी अगर मेरी रेसिपी देख के दाल बनाएंगे तो आपकी दाल परफेक्ट बनेगी गाइस, क्योंकि मेरे पास मैंने जो मेजरमेंट बताए हैं वो पूरा 1 टीस्पून का है। इससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम चलो अभी दाल में लगाते हैं तड़का। दाल को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा खाली मैश करने के लिए। ये हमारी दाल मैश हो गई है। अब हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। सब में पहले हम डालेंगे लहसुन और कड़ी पत्ता। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे राई और जीरा, इसमें ये सारे सूखे मसाले। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले नमक के साथ। और हमारा सीक्रेट मसाला है मैगी क्यूब्स, ये वेज मैगी क्यूब्स है। 1.5 कप में हम 1.5 कप दाल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 यूज कर रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह से बघार को हमारे रेडी कर लेंगे और आप देख सकते हो हमारा बघार अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम दाल में डालेंगे, इसके साथ ही हम डालेंगे 1 मग
जोश हम आने देते हैं। दाल में अच्छी तरह जोश आ गया है, हमारी दाल रेडी हो चुकी है। से माशाल्लाह, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ये बेहतरीन